हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिला कल्याण विभाग की संविदा भर्ती के ऊपर। दोस्तों, एक महिला कल्याण विभाग में संविदा भर्ती का नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। आप लोगों को ये लगता है कि वैकेंसी फेक है, तो सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। और दोस्तों, अच्छी बात यह है, इसके आपके फॉर्म फीस भी नहीं लगेगी और इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, सीधा आपका सिलेक्शन होता है। और सैलरी की बात करें, 16,000 से 20,000 रुपये आपको सैलरी मिलने वाली है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लगा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं महिला कल्याण विभाग संविदा भर्ती 2024 जारी, आवेदन शुरू। दोस्तों, इसके आप ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म भर सकते हैं। किस तरीके से भरना है, कौन सी वेबसाइट से फॉर्म को फिलअप करना है, ए टू जेड जानकारी देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लगा लास्ट तक ध्यान से देखिए, तभी आपकी कुछ समझ में आने वाला है। यहाँ पर विभाग देखिए दोस्तों, महिला कल्याण विभाग की ये वैकेंसी है। पद की बात करें तो दोस्तों, सुपरवाइजर के पद पर ये वैकेंसी निकली हुई है। और दोस्तों, फीस अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके यहाँ पर 00 रुपये, अगर आप एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट हैं फिर भी आपके यहाँ पर 00 रुपये फीस लगने वाली है। यानी आपकी कोई भी फॉर्म फीस नहीं लगने वाली है और इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता है, साक्षात्कार एक इंटरव्यू होता है उसी के माध्यम से आपका चयन हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसियाँ बहुत कम निकलती हैं और काफ़ी दोस्तों को पता ही नहीं चलता है तब तक ये वैकेंसी निकल जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी संविदा भर्ती से रिलेटेड और भी वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, तभी आपके सामने और भी संविदा भर्ती से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, योग्यता इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन आपने पास कर रखा है तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल के महिला एंड पुरुष दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। उम्र में छूट भी मिल जाएगी, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको एज में यहां पर 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। फॉर्म फिलअप ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल एंड फीमेल भर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें सैलरी की बात करें तो 16,000 से 20,000 रुपये प्रति मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है, तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उससे तो लाख गुना अच्छा है ना, आप इसमें लग जाइए, सैलरी भी आपकी यहाँ पर अच्छी खासी है। और तुम लोगों को ये लगता है फेक है, तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन तो यार चेक किया करो, सेवा आयोजन पोर्टल पर ये वैकेंसी निकली हुई है और इसके आवेदन भी शुरू हैं। ऐसे ही बोल देते हो फेक है, ऐसे कैसे फेक हो सकती है, जब इसका नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, फॉर्म भरने का तरीका बता रहा हूँ, बस आप लोगों को यही लगता है फेक है। फेक देख चेक किया करो यार। अब यहाँ पर दोस्तों, सिलेक्शन का प्रोसेस हम आपको बता दें, इसमें नो एग्जाम सीधी भर्ती, सिर्फ आपका एक साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें, यानी फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म को भरने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने क्रोम ब्राउजर में sevaayojan.up.gov.in ये लिखकर आपको सर्च कर देना है। ये लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे ना, फिर दोस्तों आपके सामने जो वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको एक गोल गोल सा ऑप्शन दिखेगा, उसमें लिखा होगा जॉब सीकर, इस तरीके से आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसी पे आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन, साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन। इसमें दोस्तों आपको अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि, ये सारी डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लेना है। जब दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके रजिस्ट्रेशन को अपने 9 स्टेप में पूर्ण करना होता है, यानी सारी डिटेल को वहाँ पर फिलअप करना है, जैसे एजुकेशन डिटेल और दोस्तों हाइट, चेस्ट, क्वालिफिकेशन, कौशल विकास, अनुभव, वरीयता, ये सारी जानकारी वहाँ पर आपको फिलअप करना है, तभी दोस्तों आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जब दोस्तों आपकी प्रोफाइल पूर्ण हो जाएगी, फिर उसी डैशबोर्ड में आपको दिखेगा समस्त नौकरी के लिए आवेदन करें, उस पर आपको क्लिक करके जिस भी नौकरी में फॉर्म भरना चाहें, बस आपको एक बार क्लिक करना होता है, आवेदन करें, बस आपका आवेदन हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं ये जॉब कहाँ की है। जॉब प्रोफाइल दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है। अप्लाई लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों इसकी अप्लाई लास्ट डेट है 2/7/24, यानी 2 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इस डेट से पहले पहले आपको अपने फॉर्म को भर देना है,
तो दोस्तों अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।